स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस2टी में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन पावर के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो आपने तो E=mc² सुना ही होगा, आइंस्टाइन ने जो कहा था। E=mc² को आप ऐसे समझिए कि आप हर जगह ये पढ़ते होंगे कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जो एनर्जी का फाइनल फॉर्म है उसको कहा जाता है मैटर। मतलब जो भी चीज़ आप छू रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी सामान, मैटर जो एलिमेंट से बना हुआ है, वो एलिमेंट एनर्जी ही है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। अगर उस ऑब्जेक्ट को, उस एलिमेंट को अगर आप ब्रेक कर पाते हैं, मान लीजिए उस एलिमेंट को आप नष्ट कर पाते हैं, एलिमेंटल लेवल पे, केमिस्ट्री लेवल पे नहीं कि मतलब एक CH4 को आप CO2+H2O बना दिए, वैसा नहीं, मतलब डिस्ट्रॉय करें, नष्ट कर दें, तो आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। जो ऊर्जा उसमें है, तो वो ऊर्जा कितनी है इसका हिसाब लगाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं E=mc². तो mc² को आप बस ऐसे समझिए, m जो है मास है, कितना वजन है। तो वजन हम लोग जनरली किलो या ग्राम में नहीं करते हैं, वो उसके लिए एक अलग यूनिट है जिसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट AMU। बहुत छोटा है और आपको कन्वर्शन करने को मिल सकता है कि ये किलो से कितना होगा। और c जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे इस यूनिवर्स में है लाइट की स्पीड, प्रकाश की गति बेसिकली, जो 300,000 km/s है, और उसका स्क्वायर किया जाता है। तो बहुत ऊर्जा होती है छोटे से पार्टिकल में भी अगर आप उसको नष्ट कर पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम लेते हैं, एक सिंपल डिज़ाइन है, कई सारे डिज़ाइन एग्जिस्ट करते हैं, एक मैं सिंपल डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम 235 में हम लोग एक न्यूट्रॉन डालते हैं। न्यूट्रॉन डालने के बाद वो 235 236 हो जाता है। नाउ 236 अनस्टेबल है, 235 स्टेबल है, तभी है, 236 अनस्टेबल हो जाता है, वो ब्रेक कर जाता है। जैसे 236 हुआ वो ब्रेक हो जाता है ना। जब ब्रेक होता है तो जैसे केमिस्ट्री में होता है कि आपको अलग चीज़ मिल जाती है, इसमें भी होता है कि अलग चीज़ मिल रहा है। आपको 3 न्यूट्रॉन मिल रहा है और 2 अलग पार्टिकल्स मिल रहे हैं जो कि एलिमेंट है अपने तरह से। लेकिन अगर आप ये वापस सबको जोड़ेंगे तो आपका वजन बराबर नहीं होगा। यहीं पे E=mc² है। तो जैसे मान लीजिए आपका 1 किलो यूरेनियम था, आपने निकाल दिया, तो आप आखिरी के बचे हुए सामान को वापस जोड़ के 1 किलो नहीं ला पाएंगे। उस प्रक्रिया में, उस न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका कुछ वजन गायब हो गया। जो वजन गायब हुआ वही था जो आपको ऊर्जा देता है। तो इस कारण से बहुत ऊर्जा निकलती है न्यूक्लियर फिजन से। मतलब कुछ ग्राम अगर आप हीलियम या हाइड्रोजन को फीज कर पाए या फ्यूज कर पाए, बहुत ऊर्जा निकलेगी। इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब इतने पावरफुल होते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, अब देखते हैं C² से, मतलब प्रकाश की गति से का दुगना मल्टीप्लाई होता है, तो आप समझ सकते हैं। मतलब अगर यहाँ कोई 1 किलो डाल दिया तो जो एनर्जी निकलेगी वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और न्यूक्लियर बॉम्ब में भी मतलब वो बेयरली 10 ग्राम या 20 ग्राम को कन्वर्ट कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ 10-20 ग्राम ही फ्यूल है, आप देख सकते हैं फ्यूल बहुत है, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो बहुत थोड़ा होता है, 0.1% का लॉस होता है, कभी कभी उससे भी कम होता है, कभी कभी उससे ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 70% लॉस हो गया, मतलब आपका 1 किलो डाले 70% उसका गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा गायब होता है। लेकिन वो बहुत थोड़ा इतने बड़े स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो हम लोग उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग फ्यूल लेते हैं। फिसाइल मटेरियल का लंबा लिस्ट है, तो मैं लिस्ट आपको नहीं बताऊंगा, आप विकिपीडिया में देख सकते हैं और आपको अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। तो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है और थोरियम है, बहुत सारे और भी हैं, ये 3 पॉपुलर हैं। तो फ्यूल को जब हम लोग लेते हैं उसको इस तरह के रॉड में डाला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूल रॉड। तो फ्यूल रॉड में डाल के हम लोग इसको रिएक्टर में डालते हैं। ऐसे आप रिएक्टर देख सकते हैं, बहुत सारे रिएक्टर होते हैं, रिएक्टर में जनरली पानी भरा रहता है, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन जनरली हम लोग पानी यूज़ करते हैं। तो वो पानी जो है 300°C पर रहता है। तो आप बोलोगे यार 300°C पे पानी कैसे है, पानी भाप बन जाना चाहिए। तो ये पानी प्रेशराइज रहता है, इसमें मतलब काफ़ी दबाव दिया जाता है, नहीं अगर दबाव नहीं रहे तो वो भाप बन जाएगा। तो इसका एक सिस्टम मतलब इसे प्रेशराइज रिएक्टर कहते हैं, कि पानी में दबाव है, प्रेशर है, वो 300°C पे है, और उस पानी को आप एक दूसरे हीट एक्सचेंजर में डाल रहे हैं, जो हीट एक्सचेंजर जो है वो पानी को भाप में बदल रहा है। वो पूरा अलग साइकिल है, ये एक अलग साइकिल है, दो सिस्टम अलग अलग चलते रहते हैं। और उस जो दूसरा सिस्टम है उससे जो गर्मी से हम लोग जो भाप बनाए, जो स्टीम बनाए, उस स्टीम से आप अपना पावर प्लांट चलाते हैं। ये मतलब यहाँ से जो स्टीम से चल रहा है वो पूरा कोल पावर प्लांट का सेम होता है, गैस पावर प्लांट का सेम होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का सेम होता है, उसमें कोई नहीं या कोई नई होशियारी वाली चीज़ नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक झंझट और भी होता है, जो मैंने आपको जो एलिमेंट्स बताए थे जो टुकड़े होने के बाद बनते हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं, मतलब कि वो जान ले लेंगे अगर आपके आसपास भी आ गए तो उसको ढंग से संभालने के लिए ऐसे करके बहुत मेहनत किया जाता है कि उसको ढंग से गाड़ दिया जाए। और ऐसा भी नहीं कि ये पूरे
जो आप बॉक्स देख रहे हैं वो पूरा भरा हुआ है, उसको भी पहले डाइल्यूट किया जाता है, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड रख दिए तो सीधे जान ले लेगा इंसान का। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है वेस्ट मैनेजमेंट पे। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत खतरनाक रिस्क यही है, वेस्ट मैनेजमेंट। और खतरा मतलब एक अलग तरह का खतरा न्यूक्लियर पावर प्लांट पोज करता है कि वेपनाइजेशन बहुत आसानी से पॉसिबल होता है। तो वेपनाइजेशन का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो टेक्नोलॉजी से आप न्यूक्लियर बम बनाते हैं वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं। तो जैसे कोई भी देश है, जैसे रसिया है या अमेरिका है, ये लोग नहीं चाहते कि हर दूसरे के पास न्यूक्लियर बम आ जाए, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं देना चाहते। तो वो लोग आप जैसे मानिए कि नहीं हमें इस टेक्नोलॉजी शेयर करो, हमें बनाना है, तो नहीं, मना कर देंगे। और अगर आप अपने बनाने की कोशिश की तो पहले तो सैबोटेज कर देते थे, मतलब आपके यहाँ किसी किलर को भेज के आपके साइंटिस्ट को मरवा दिया जाएगा। ये कई सारे देश करते हैं, कई सारे देशों के साथ किया जाता है, ये सब कॉमन चीज़ है। तो इसका वेपनाइजेशन होना बहुत खतरनाक है, इसलिए हर कंट्री नहीं कूद गई। 200 से ज़्यादा कंट्री है, सिर्फ 30 से 40 कंट्री के पास ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, और उसमें से बहुत सारे तो खरीदे हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने बनाया है। और आपको ये समझना है, अगर आप इसमें गलती किए, कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट जब आप बनाए हैं कुछ गलती किए, जैसे चेर्नोबिल में, आप बचोगे नहीं, यहाँ गलती नहीं माफ़ की जा सकती है। और आप बोलोगे ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब डैम आप बनाए और डैम में कभी कोई नुकसान नहीं होता, डैम टूटते हैं, कई हज़ार लोग मर जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि कई हज़ार लोग मरते रहेंगे कई साल तक, तो ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मिस्टेक आप कर नहीं सकते, और मिस्टेक कर दिए तो जो गलती होगी, जो नुकसान होगा, वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, और ऐसा नहीं कि 100 साल या 200 साल, कई हज़ार साल तक खींच सकता है। तो इसके फायदे के बारे में बात करते हैं, अगर इतना नुकसान है तो फायदा तो कुछ होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये इन्वायरमेंट से एकदम इंडिपेंडेंट है। मतलब जैसे अगर आप मान लीजिए इंडिया में, तो अगर आप रह रहे हैं और आपको पता है कि इंडिया में बहुत पानी है, बहुत बारिश होती है और ग्लेशियर्स हैं, तो उससे पानी आ रहा है। लेकिन मान लीजिए ग्लेशियर सूख गया, मतलब जमा नहीं ठंडे के सीज़न में, पानी कम हो जाएगा, बारिश नहीं हुई, पानी कम हो जाएगा, तो ये पावर प्लांट आपका कम पावर देने लगेगा। लेकिन देश का तो पावर डिमांड बढ़ते ही जा रहा है, तो पावर कम देने लगेगा तो काम कैसे चलेगा। तो उस कारण से आप ये समझिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इन्वायरमेंट से इसको कोई लेना है, आप रेगिस्तान के बीच में बना दीजिए, आप हिमालय के बीच में बना दीजिए, इसको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं देता है। तो ग्रीन हाउस ना देने का मतलब आप ये समझिए, कोल पावर प्लांट में आप दो तरह के पाइप देखते होंगे, एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा पाइप जो मतलब सिल्वर से मतलब थोड़े से येलोइश कलर के होते हैं, दूसरा आपको एक पतला पाइप मिलेगा जो लाल और सादा या कभी कभी काला, जनरली पे के बहुत पतला और बहुत लंबा रहता है, वो वहाँ से एग्जॉस्ट निकल रहा है, जो कोयला जलाया जा रहा है वो उसकी धुआं वहाँ से निकाला है। जो बड़े बड़े आप चिमनी देखते हैं जो खूब बड़े बड़े होते हैं, वो कूलिंग टावर है, वहाँ पे ये नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब वहाँ पे कोयला के एग्जॉस्ट नहीं निकाला जा रहा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा, वो निकलता है इस तरह की चिमनी से, स्मोक स्टैक जिसे कहा जाता है, और वो बहुत खतरनाक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और अगर उसमें मान लीजिए आप 100% भी जला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो सूप निकलेगा, जो मतलब थोड़ा पार्टिकुलेट जिसे कहते हैं, जब ठंडे का मौसम आएगा, जब शीत गिरेगी, तो वो पार्टिकुलेट शीत के साथ मिल जाता है, और उस दरमियान उसे स्मॉग कहते हैं हम लोग, जो आप दिल्ली उल्ली में देखते हो कि ऐसा धुंध पड़ जा रहा है कि आप 10 मीटर आगे छोड़ दीजिए, आप तो 2-3 मीटर आगे नहीं देख पा रहे कि आगे हो क्या रहा है, गाड़ी चलाना खतरनाक हो जाता है, प्लेन सब लैंड करना मतलब दिक्कत हो जाता है। तो ये सब का कारण होने के चलते इसके ये काफ़ी नुकसान है, मतलब ये आपका हवा ही ख़राब कर दे रहा है, जो आप हर कोई सांस ले रहा है जिस हवा को, तो इसलिए वो है। दूसरा, ये बेस लोड पावर दे सकता है, जैसे कि मैंने अब वीडियोस बनाए हैं सोलर पे और विंड पे, तो सब में यही आया कि बेस लोड पावर नहीं दे सकते, ये 24 घंटा 24x7x365 पावर नहीं दे सकते, लेकिन ये दे सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर आराम से कई साल तक कंटिन्यूसली पावर दे सकता है, जब तक उसका फ्यूल ख़त्म नहीं होता, कई साल तक, मैं बात कर रहा हूँ 10-20 साल तो इनके लिए स्टार्टिंग होती है, मतलब 10 साल के लिए तो पहला कॉन्ट्रैक्ट आप बनाएंगे तो 10 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसके बाद बनेगा कि फ्यूल दोबारा चेंज करो, फ्यूल रॉड्स को नए फ्यूल से रिप्लेस करो, तब जाके आपका आने वाला 10-20 साल चलेगा। तो इसके फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ नुकसान ही है, तभी तो सब लोग बना रहे हैं। तो अब इसके नुकसान जो आपको देखते हो, डेंजर जो देखा वो तो देख लिया, नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि अगर वो डेंजर आप हैंडल भी कर ले रहे हो, तो जो उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल रहा है उसको हैंडल करना हद फजीहत है, मतलब हम लोग के पास कोई तरीका नहीं है इसको हैंडल करने का। बीच में यही एक बात डिसाइड किया कि इसको सीधे स्पेस में फेंक दो, सूरज में फेंक दो, बात आइडिया अच्छा है, लेकिन अगर एक भी रॉकेट हवा में फट गया, जो कि होता है, ऐसा नहीं कि रॉकेट कभी फटते नहीं, फटते रहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन फटते रहते हैं, तो आप पूरा जिस हवा में छितरा देगा वो बहुत खतरनाक है, तो इसलिए इसका कुछ कर नहीं सकते। और ये ऐसा नहीं कि ये डेंजरस है तो 10 साल तक डेंजरस है, 20 साल तक, कई लाख साल तक डेंजरस रहता है, ये इसका सबसे बड़ा खतरा है। और दूसरा, मैंने आपको बताया था गलती नहीं हैंडल कर सकता, तो 3 बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। सबसे पहला था 3 माइल आइलैंड,
जो कि अमेरिका में था, और ये गलती बहुत सीरियस नहीं हुई, मतलब कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन इसमें गलती इसलिए हुई थी, चाबी लगा लगा के आप कई जगह देखते होंगे कि चाबी से इस्तेमाल करके काफ़ी सारे कंट्रोल बोर्ड में रहते हैं, उस चाबी में एक बड़ा सा टैग लगाया हुआ था, मतलब पुल बिफोर रिस्क जो भी है, डेंजर इमरजेंसी जो भी टैग लगा हुआ था, वो टैग ने एक बत्ती कवर कर दिया था, बत्ती वो चल रहा था इसलिए कि कूलेंट लो बेसिकली पानी कम हो रहा था, तो अगर वो लोग उसको देख लेते आराम से संभाल लिया जाता, वो गलती से हो गया, तो कई हज़ार लोगों को हटाना पड़ गया, कई लाखों करोड़ों की नुकसान हो गया कि वो भाई बत्ती हम लोग देख नहीं पाए, तो गलती हो गया। दूसरा चेर्नोबिल के बारे में तो सब जानता है, चेर्नोबिल में ये हुआ कि धमाका हो गया तो सब लोग बोले अरे न्यूक्लियर बम हुआ, नहीं, न्यूक्लियर बम के बारे में आप ये समझिए, न्यूक्लियर बम में जो यूरेनियम डाला जाता है या जो प्लूटोनियम डाला जाता है वो बहुत रिफाइंड होता है, 80-90% तक रिफाइन किया जाता है, बहुत प्योर यूरेनियम डाला जा रहा है, जो आपके रिएक्टर में वो 20% से ऊपर नहीं रहता, रिएक्टर आपका चेन रिएक्शन कर सकता है लेकिन रन अवे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, रन अवे का मतलब होता है कि 1-10, 10-50, 50-50 लाख, वो होता है रन अवे, चेन रिएक्शन हुआ 1-5, 5-6, 6-8, थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब वो धीरे धीरे बढ़ना जरूरी है, नहीं तो कोई रिएक्टर कंट्रोल नहीं कर, मतलब रिएक्टर चालू किए 0-100 हो गया, 100 के बाद ब्लास्ट कर गया, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो फ्यूल डाला जाता है वो बाय डिफॉल्ट प्योर नहीं होता, और प्योर बनाना पड़ता है इसलिए उनके पैसा ही बचता है उससे, मतलब बॉम्ब बनाने के लिए वो बहुत रिफाइन करना पड़ेगा, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं फ्यूल वो कभी फट नहीं सकता, कुछ भी हो जाए न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह नहीं फट सकता, रेडिएशन दे सकता है, पॉइजनिंग कर सकता है, रेडियो एक्टिव डिके आसमान में छिटक सकता है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनेगा। तो चेर्नोबिल में क्या हुआ, जो धमाका हुआ वो ये हो गया कि चेर्नोबिल के रिएक्टर में भी जब इंजीनियर लोग को एक टेस्ट चलाना था कि इमरजेंसी सेफ्टी प्रोसीजर की ट्रेनिंग दी जा रही, किसी ने चेकलिस्ट को गलती कर दिया, किसी ने कोई गलत चीज़ बंद कर दिया, ऐसे मतलब छोटी छोटी गलती, खूब सारी छोटी छोटी गलती हो गई, और वो गलती के एंड में ये हुआ कि रिएक्टर जो है, रिएक्टर में जो पानी उसको ठंडा रखने के लिए चलाया जा रहा था वो बंद हो गया, अब वो पानी गर्म होने लगा, मतलब उसको ठंडा रखा नहीं जा रहा है, वो गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने लगा, मतलब तापमान बहुत लोग बोलते हैं कम ही था उससे, लेकिन मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर के पास गर्म बहुत हुआ होगा, और उस तापमान में जो कंट्रोल रॉड में जो एलिमेंट यूज़ किया गया था वो एलिमेंट इसको कैटलिस्ट की तरह बिहेव करके पानी को तोड़ दिया, पानी को तोड़ने का मतलब हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, तो अब आप समझिए गर्म माहौल में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग रहा तो क्या होगा, यही हुआ चेर्नोबिल में, यही हुआ कि इसीलिए वो फट गया, इसीलिए आपको वो बिल्डिंग अभी भी दिख सकती है, आप चेर्नोबिल के बिल्डिंग देख सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब फटता तो वो बिल्डिंग वहाँ रहता नहीं, मतलब यही हुआ कि पानी फट गया, और इन्होंने कंटेनमेंट नहीं बनाया था, मतलब हर मॉडर्न रिएक्टर डिज़ाइन में कंटेनमेंट यूनिट बनाया जाता है कि वो फटे उटे कुछ भी हो तो उससे जो बाहर ना निकल जाए, मतलब कंटेनमेंट यूनिट को आप सील करके हटा सकते हैं, वो कंटेनमेंट यूनिट ना होने के चलते ही वो उतना फैला। तो ये आते हैं हम लोग फुकुशिमा, जो ताज़ा हादसा हुआ है, ये तो इतनी बेवकूफ़ी वाली बात थी कि मतलब जापानीज़ एजेंसी को बताया गया कि मतलब एक न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन है जो सब जगह जाती है, सब सिविलियन पावर प्लांट्स को देखती है, चेक करती है, सिक्योरिटी रिकमेंडेशन देती है कि क्या कीजिए कैसे कीजिए, और उन्होंने बोला कि देखिए आपका सब चीज़ तो ठीक है लेकिन आपका जो समुंदर की तरफ आपने जो दीवार बनाई जिसे सी वॉल कहते हैं वो बहुत छोटा है, मतलब सुनामी के दरमियान पानी इधर आ सकता है, तो आपको वॉल ऊंचा करना चाहिए, और आपके पास बैकअप जनरेटर तो बहुत है, मतलब जैसे मान लीजिए एक जनरेटर चाहिए आपको प्लांट्स को शांत रखने के लिए तो आप 10 रखोगे या 40 रखोगे, मतलब न्यूक्लियर मजाक नहीं कर रहे हो तो बैकअप चाहोगे, ठीक है आपने 40 रखे है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने सबको एक ही जगह रखा है और वो सब मतलब सब ग्राउंड पे मतलब बेसमेंट जैसे जगह पे रखा गया है, प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्लडिंग हुई तो वो सारे के सारे जनरेटर बंद हो जाएंगे एक ही जगह पे, आपका ऐसा नहीं कि एक जनरेटर 10 फीट मतलब 10 किलोमीटर दूर है, दूसरा 1 किलोमीटर दूर है, मतलब फैलाया हुआ नहीं है, प्लस ऊपर भी नहीं है, सबके सब जनरेटर बेसमेंट में थे, और जापानीज़ वालों ने बोला कि भैया हम 40 साल से चला रहे हैं तुम हमें मत बता, और जब सुनामी आई, जो भूकंप हुआ सुनामी आई, पानी घुस गया, पानी सारे बैकअप रिएक्टर को बंद कर, बैकअप जनरेटर को बंद कर दिया क्योंकि भैया डूब गया जनरेटर, जनरेटर थोड़ी चलेगा डूबा रहने पे, तो उसमें भी वही हुआ कि पानी इतना गर्म हो गया कि पानी फट गया, या तो स्टीम एक्सप्लोजन होता है या तो पानी बट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और रॉकेट एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर नहीं होता, आप कभी ये टेंशन लीजिए न्यूक्लियर नहीं होता, और इसमें लेकिन ये उतना बुरा नहीं हुआ चेर्नोबिल जैसा कि कंटेनमेंट इसको हैंडल कर लिया, लेकिन आप देख सकते हैं मतलब गलती माफ़ नहीं की जाएगी, मतलब इंसानी बेवकूफ़ी के चलते तीनों बार ये गलती हुई है, ऐसा नहीं है कि मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया नहीं जिससे जो कभी एक्सीडेंट ना करे, मतलब इंडिया में इतने साल से है अभी तक कुछ हुआ नहीं, होपफुली कभी ना हो, लेकिन आप देख सकते हो समझ सकते हो मतलब इंसानी गलती को ये माफ़ नहीं करता है। तो भविष्य में क्या होगा, भविष्य में आप ये देखिए कि हम लोग थोरियम की तरफ जाएंगे, थोरियम में ये फ़ायदा है कि इंडिया के पास सबसे बड़ा दुनिया का रिजर्व थोरियम का है,
मतलब हमारे पास बहुत यूरेनियम नहीं है लेकिन थोरियम भर के रखा हुआ है, बहुत थोरियम है और इंडिया वर्ल्ड लीडिंग है थोरियम रिएक्टर टेक्नोलॉजी में। दूसरा डिज़ाइन जो है, आपको ये समझना होगा हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन है ये 1960s और 70s का है और उस टाइम जो डिज़ाइन बनाया गया था वो काफ़ी हार्वर्डी में बनाया गया था। मतलब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया, टेस्टिंग हो गया, उसके बाद किन्होंने बोला गया थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बना के देखते हैं, ठीक है बनाया। डिज़ाइन को कभी रिफाइन नहीं किया, मतलब जैसे आप ये देखिए कार इंजन जो है पुराना वाला, बहुत पुराना, मान लीजिए 30 साल 40 साल या 60 साल पुराना डिज़ाइन, मतलब जो माइलेज वो देता है वर्सेज आज का जो आपको माइलेज है, तो जमीन आसमान का अंतर है। तो उस रिएक्टर का डिज़ाइन को लेके सब लोग दौड़ गए, मतलब वही डिज़ाइन लेके दौड़ गए। और आप ये समझिए सब कोई सस्ता चीज़ नहीं है जो हर कोई बना ले। तो जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कई सारे मॉड्यूल्स बेसिस कि हाँ आपको कितना पावर, बड़ा पावर प्लांट चाहिए, आपको इतना चाहिए, ये हमारा एक रिएक्टर है जो 500-500 मेगावाट का है, एक रिएक्टर है हज़ार मेगावाट वाला महंगा है। तो आप बताइए, आप दो रिएक्टर, दो छोटे रिएक्टर लीजिएगा कि एक बड़ा, मतलब बेच रहे थे, सब कंपनी ऐसे करती है। तो प्रॉब्लम ये होता था कि वो सब डिज़ाइन जो था वो डिज़ाइन बहुत रिफाइंड नहीं था, मतलब डिज़ाइन रिफाइन करने के लिए कई बार बनाना पड़ता है। और जैसे जैसे हादसे होते गए या तो पुराने वाले को बंद कर दिया गया या नए वाले को बनाना भी बंद कर दिया गया, तो डिज़ाइन जो है हम लोग अटका हो गया है। मतलब बहुत घटिया डिज़ाइन है जो कि चेर्नोबिल के बाद सबसे पहला यही तो आया, लोग तो ये बोलने लगे कि इतना दिन से चल कैसे रहा था, मतलब बहुत लेवल पे उसमें बेवकूफ़ी किए गए थे। और उसका वो कि कंटेनमेंट वेसल ना बनाना कि मतलब फटने पे वो सीधे आसमान में पार्टिकुलेट्स डालेगा, मतलब सब लोगों को फ्री फंड का मार देगा, वो बेवकूफ़ी किसी को समझ में नहीं आई। तो ये समझिए डिज़ाइन हम लोग बहुत सुधार सकते हैं। और इसके बाद पानी के जगह पे सॉल्ट यूज़ किया जाने लगेगा, ज़रूरी नहीं कि सब लोग करें लेकिन पानी जैसे आपको बताया गया हर जगह फटते रहता है, पानी फट जाता है, बड़ा यूनिक बात है, दूध फटते हुए आप सुने होंगे, पानी फट जाता है, बड़ी खतरनाक बात है। नमक ही इस्तेमाल करेंगे, सोडियम जिसको कहा जाता है, सोडियम इस्तेमाल करने का फ़ायदा कि सोडियम 300 डिग्री पे पानी, ये मतलब लिक्विड रहता है। अब पानी को प्रेशराइज करना पड़ता है कि, और प्रेशराइज करना बड़ा सीरियस बात है भाई, पाइप जो होता है जैसे मान लीजिए आपके नल में जो पानी आ रहा है वो पाइप बेयरली 1-2 मिलीमीटर का थिकनेस रखता है, मतलब उसकी जो मोटाई है पाइप की मोटाई 1-2 मीटर के लिए, 400 PSI या 500 PSI का जो वाटर रख रहे हैं उसका स्टील का थिकनेस जो मतलब जिस स्टील से बनाया गया वो पाइप को बनाया गया वो इतना मोटा बनाना पड़ता है, 2-3 इंच से लेकर 1 फुट तक का मोटा पाइप बनाना पड़ता है उसको हैंडल करने के लिए। सॉल्ट के साथ वो टेंशन नहीं क्योंकि वो प्रेशर में नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई है, हाँ बहुत हाई है लेकिन प्रेशर में नहीं है, तो आराम से हैंडल किया जा सकता है। और मार्स पे जब मंगल ग्रह पे हम लोग जाएंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ ही जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, सोलर पैनल वहाँ नहीं काम करता उतने अच्छे से। तो सब चीज़ मिला के हिसाब ये बनता है कि भविष्य में हम लोग न्यूक्लियर का इस्तेमाल देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, ख़त्म नहीं हो गया। और बिल गेट्स ऐसे ही अभी बहुत पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन काफ़ी खर्च कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम लोग काफ़ी देखने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट लिखिए कि आप क्या देखना चाहेंगे अगले एपिसोड ऑफ साइंस थर्सडे में, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी है, धन्यवाद।